हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और न्यू ईयर आप लोग कैसे सेलिब्रेशन किए, कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या मजा मस्ती किए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं बता देती हूँ, मेरे न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन मैंने किया, घर में ही। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ अच्छे से सेलिब्रेशन किया। और आप लोग कैसे सेलिब्रेशन किया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और कहाँ कहाँ घूमने गए? मैं तो कहीं घूमने नहीं गई हूँ, डर लगता है घूमने जाने के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है मेरा, तो डर भी लगता है कोविड की वजह से। लेकिन बहुत जल्दी सोच रहे हैं कहीं घूमने जाएंगे, बहुत दिन हो गया है बाहर नहीं गए हैं, बहुत दिन यानी 1 साल तो हो गया है तो बाहर नहीं गए, तो सोच रहे कि कहीं घूमने जाएंगे। आज है 21 का पहला वीक, और वीक का पहला दिन, और 21 का पहला मंडे है आज। तो आज से शुरू होगा मेरा, भोलेनाथ का नाम लेके मेरा आज से शुरू होगा दिन। ऐसे तो शुक्रवार को गया था न्यू ईयर, तो शनिवार से शुरू हुआ था, लेकिन आज से शुरू होगा, क्योंकि आज मंडे है, शिव जी का डे है, तो आज से ही शुरू होगा। भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करेंगे मैं अपना सारे काम जो भी। और आज का जो मौसम है बेंगलुरु का, बहुत खराब मौसम है, पूरी तरह से सुबह से ही पूरी तरह से बादल बादल, पूरे अंधेरा अंधेरा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि शाम हो गया है, अभी बारिश होगा ऐसे ही लग रहा है, बहुत अंधेरा है, कितना अंधेरा अंधेरा करके रखा है, जैसे लगता है कि अभी बारिश होगा, बहुत अंधेरा, अभी शाम हुआ नहीं, लगता है कि शाम हो गया है। ठंड भी बहुत बढ़ गया है, इसी वजह से जैकेट पहन के रहना पड़ता है, क्योंकि लगता है ना पूरी तरह से अंधेरा हो गया, लगता है कि बारिश हो जाएगा, धूप भी नहीं आ रहा, इसी वजह से बहुत ठंड पड़ गई है बेंगलोर में। ये तो महीने का पहला दिन चल रहा है, और ऊपर से 21 भी चल रहा है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं कैसे अपना महीने का जो भी ग्रॉसरी सामान आता है मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्या क्या लाती हूँ, तो मैं ये सब आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो उससे पहले अभी इवनिंग का टाइम है, टी टाइम है, तो और मौसम भी ऊपर से बहुत ठंड लग रहा है, तो इस मौसम ठंड ठंड के मौसम ना पूरे गर्मा गर्म जो कड़क चाय होती है मसाला वाले, वही चाय मैंने बनाया है, तेज पत्ता, इलायची, अदरक ये सब दे के। तो अभी हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद मैं अपना महीने का जो भी ग्रॉसरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चाय नाश्ता हो गया है, तो अब बारी है मेरे जो महीने की ग्रॉसरी वो दिखाने के लिए, कैसे मैं क्या मैनेज करती हूँ। तो चलिए, ये रही मेरी महीने की सारे ग्रॉसरी जो मैं मंगाती हूँ महीने भर के लिए। महीने की राशन पानी यानी महीने की ग्रॉसरी जो होता है, महीने भर हम जिस जो इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना से लेके सब कुछ, महीने में जो भी राशन आता है, राशन में सब कुछ आता है, जैसे डेटॉल वगैरह या चाय पत्ती या लाइजोल, ये सब महीने में महीने के लिए हम लाते हैं, तो ये सब ग्रॉसरी के आइटम में ही आते हैं। तो चलिए मैं क्या क्या लाती हूँ वो सब दिखा देती हूँ। ये रही मेरी सारी राशन पानी, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं ये जो दाल मंगाती हूँ, पहले दाल से ही शुरू करते हैं। ये है चना दाल। चना दाल मैंने एवरी मंथ यानी हर मंथ में 1 किलो मंगाती हूँ, क्योंकि चटनी वगैरह बनाना होता है, पकौड़ा पकौड़ा के लिए भी चना दाल होती है, दाल भी बनाते, तो चना मैं 1 किलो मंगाती हूँ, तो मेरा महीने भर हो जाता है ये। और उसके बाद ये भी चना, ये तुअर दाल है, तो तुअर दाल जो होता है ये भी मेरा 1 किलो आता है, मैं महीने भर चलता है। मूंग दाल में ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, मूंग दाल में आधा किलो मंगाती हूँ। मसूर का दाल भी आधा किलो मंगाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मूंग दाल ज़्यादातर मैं पूजा वगैरह में खिचड़ी बनाने के लिए तो वही इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो ज़्यादा नहीं होता है। और मसूर का दाल भी मेरा ही थोड़ा बहुत इस्तेमाल होती है, इसीलिए मैं ये आधा आधा किलो मंगाती हूँ मूंग और मसूर दाल। वो पर ये है काला वाला जो है ना, जो डोसा बनाने के लिए जो दाल होता है उड़द दाल, तो ये जो उड़द दाल है ये मैं डोसा वगैरह बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड इस बार गलती से ये काला वाला ले आए, मतलब ये इसका जो छिलका है नहीं निकला है, व्हाइट वाला जो आता है ना उसको नहीं लाके गलती से ये ले आए, इसको भी मैं इस्तेमाल कर दूंगी। फिर ये चाय पत्ती आधा किलो आता है तो हो जाता है हम लोग का, 1 महीने चला जाता है चाय पत्ती। ये मैं रेड चिली ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ये भी मैं, ये कितना 100 ग्राम है, ये भी मेरा हो जाती है 1 मंथ। और मेरे बेटे के लिए ये मैं गोलकंडी मंगाती हूँ, ये भी मेरे बेटे का आता है, तो महीने में 1-2 पोहा 1 केजी मंगाती हूँ, तो ज़्यादा इस पोहा हम नहीं खाते, कभी कभार तो
और ये मूंग दाल है, ये जो मूंग है हूल वाला मूंग है, तो इसका भी मैं, ये जो मूंग है ये भी मैं हर महीने मंगाती हूँ, ये भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो आधा किलो मंगाती हूँ तो मेरे महीने भर हो जाती है। और शुगर, शुगर मैं 1 किलो मंगाती हूँ, एवरी मंथ मेरा 1 किलो शुगर आता है, क्योंकि शुगर में बहुत काम होती है। कभी चाय तो ऑलरेडी हमेशा बनता है, लेकिन स्वीट वगैरह बनाना हो तो शुगर इस्तेमाल होती है। कभी कभी शुगर ज़्यादा भी लग जाता है महीने में, कि ऐसा नहीं कि 1 किलो मंथ 1 किलो शुगर लग जाएगा 1 मंथ में, कभी कभी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो बीच में लाना पड़ता है। और ये कपड़े धोने के लिए सर्फ, कपड़े धोने के लिए जो सर्फ है ये तो मेरा 1 मंथ ही जाता है, 1 महीने। ज़्यादा कुछ सामान नहीं मंगाती हूँ, जो मेरे महीने के लिए जिससे मेरा गुजारा होगा मैं वही सब मंगाती हूँ। ऐसे भी आजकल सब कुछ तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, जो ज़रूरत की सामान होती है तो मैं वही मंगाती हूँ। तो जैसे मेरा महीने, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान या ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाएगा, कीड़ा वगैरह लग जाएगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं स्टॉक करके रखती हूँ। जितना लाती हूँ उतना मेरा महीने भर चला जाता है, फिर फिनिश हो गया, फिर मैं दूसरा महीने में लाती हूँ, या बीच में कभी कभार अगर फिनिश हो गया तो मैं मंगाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा सामान नहीं मंगाती हूँ। लेकिन जब से कोई वीडियो है तब से थोड़ा ज़्यादा सामान मंगा के स्टॉक करके रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अचानक शटडाउन लॉकडाउन हो जाता है तो सामान मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसी वजह से जब से ये लग कोविड हुआ है तब से थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा एक्स्ट्रा लाके स्टॉक करके रखना पड़ता है सबके लिए। ये था मेरी महीने की ग्रोसरी जो मैंने कल मंगाया था। तो मैंने सारे जो जिसमें जो कंटेनर में रहता है तो मैंने उसको अभी सारे कंटेनर में सेट कर दिया है। दाल जिसमें रखना है, शुगर जिसमें रखना है, चाय पत्ती जिसमें रखना है, तो मैंने सारे कंटेनर में उसको भर दिया है। तो अभी टाइम हो गया है, अभी टाइम 8:30 बज चुका है, तो अभी हम बनाएंगे डिनर। तो चलिए किचन में चलते हैं, डिनर बना, डिनर में कुछ नहीं बनेगा, बस सुबह का दाल है, अभी भुजिया और रोटी बना देंगे, हो जाएगा, क्योंकि रात को हम ज़्यादातर हल्का ही खाते हैं, तो इसीलिए बस सिंपल सा ही बनता है। तो किचन में चलते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। ये वीडियो मैं कल से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को फुल लाइक करिए, थैंक यू।